इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ। विशाल खबर ने इस बात की पहले भी संभावना व्यक्त की थी कि नारायण त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नारायण त्रिपाठी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, इस बात की वानगी आपको विशाल खबर स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। 20 मार्च को नारायण त्रिपाठी ने स्वयं विशाल खबर को एक वीडियो प्रेषित किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह किसी दल में नहीं जा रहे हैं। सोशल मीडिया हमारे बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहा है, देखिए इस वीडियो को। सभी लोगों को प्रणाम। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में गलत ढंग से दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं या इस दल में शामिल हो रहा हूं या यहां जा रहा हूं, यह सब बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। जो इस ढंग की अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगा। और फिर मैं बता देता हूं, मैं 2-3 दिन के अंदर मैं यहाँ आ रहा हूं, समूचे सतना जिले आ रहा हूं, लोगों के बीच में जाऊंगा, प्रणाम करके माई शारदा को, प्रभु श्री राम को आगे की अपनी रणनीति तय करूंगा। किसी भी तरह मैहर के लोग या सतना जिले के लोग या सतना लोकसभा के लोग भ्रमित न हो, मैं जनता के साथ हूं और फिर बेहतर ढंग से शुरुआत करेंगे। और इस तरह दुष्प्रचार करने वाले सावधान हो जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। वीडियो जारी की हुई है, 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि नारायण त्रिपाठी अपने गले में नीला दुपट्टा ओढ़ लेते हैं। अब विंध्य क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ही बची थी जिसमें अभी तक नारायण त्रिपाठी नहीं गए थे। नारायण त्रिपाठी ने अपने राजनीति का सफर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलाकर शुरू किया था। उसके बाद नारायण त्रिपाठी पंजे की शरण में गए। पंजे की शरण में भी बहुत दिन तक नहीं रह पाए, फिर उन्होंने पंजा तोड़ दिया। उसके बाद कमल का फूल खिलाना शुरू कर दिया। 2 बार बतौर विधायक उन्होंने कमल का फूल खिलाया, लेकिन कमल के फूल से भी उन्हें दुर्गंध आने लगी। भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही भारतीय जनता पार्टी की जड़ खोदने लगे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही जितना जो कुछ भी कहा जा सकता था कहा। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में नारायण त्रिपाठी की टिकट काट दी, उसके बाद भी नारायण त्रिपाठी इस उम्मीद में थे कि उन्हें कांग्रेस टिकट दे देगी, लेकिन कांग्रेस में भी रहकर उन्होंने कांग्रेस के साथ अच्छा नहीं किया था, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। थक हार कर नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। विंध्य जनता पार्टी को स्वयं नारायण त्रिपाठी ने ही पैदा किया। इस पार्टी के पापा नारायण त्रिपाठी ही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तब नारायण त्रिपाठी विंध्य की आवाज बुलंद करते थे, सैकड़ों गाड़ी का काफिला उनके पीछे चला करता था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने उनसे किनारा किया, वह सारा काफिला नारायण त्रिपाठी के पीछे से गायब हो गया। नारायण त्रिपाठी 2023 में न सिर्फ चुनाव हारे बल्कि मैहर से चौथे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर श्रीकांत चतुर्वेदी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस के धर्मेश घई, तीसरे नंबर पर बसपा का प्रत्याशी था और चौथे नंबर पर नारायण थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं नारायण की मैहर में लोकप्रियता का। अगर नारायण त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र का ही मुद्दा ईमानदारी पूर्वक उठाते रहते तो आज की तारीख में विंध्य क्षेत्र की जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाती, लेकिन विंध्य की जनता से जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी ने खिलवाड़ किया उसका सबक मैहर की जनता ने उन्हें बखूबी दे दिया। मैहर से चुनाव हारने के बाद नारायण त्रिपाठी पूरी तरह से मैहर से गायब हो गए। उन्हें यह लग रहा था कि उनका राजनैतिक पुनर्वास कैसे हो। तमाम दलों के मुख्यालयों की सीढ़ियां घिसने के बाद जब उन्हें किसी ने महत्व नहीं दिया, तब थक हार कर उन्होंने नीला दुपट्टा ओढ़कर अपनी राजनैतिक फिजा बनाने की नाकाम कोशिश की है। बसपा ज्वाइन करने के बाद नारायण त्रिपाठी ने वही रटा रटाया भाषण दिया कि न मेरा कोई धंधा है, न मेरा कोई रोजगार है, न मेरा कोई कारोबार है, मैं सिर्फ मैहर की जनता के लिए समर्पित हूँ, मैं आम जनता के लिए काम करता रहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दूंगा। नारायण त्रिपाठी के बहुजन समाज पार्टी से खड़े हो जाने के बाद राजनीतिक समीक्षक अब यह कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि ब्राह्मणवादी वोटर जो बिल्कुल तरह से चूंदीवाद से बंधा हुआ है
जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है वह नारायण त्रिपाठी को वोट दे देगा। ऐसे में वोटों का विभाजन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। विशाल खबर नहीं, इसके पहले भी एक समाचार, विशाल खबर ने इसके पहले भी एक समाचार के माध्यम से यह बताने की कोशिश की थी कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीतिक हत्या करने कौन व्यक्ति आएगा। निश्चित तौर पर आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी से नारायण त्रिपाठी मैदान में है। उनका हश्र क्या होगा ये चुनाव परिणाम आने के बाद सबको पता चल जाएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही इसी तरीके से अपने कर्मठ, अपने विश्वसनीय, अपने वफादार कार्यकर्ता को कभी टिकट नहीं देती। उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के साथ वफादारी निभाते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसका बेल आइकन नहीं दबाया है, तो कृपया बेल आइकन दबाकर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।